डॉक्टर अंबेडकर को ही संविधान निर्माता क्यों कहते हैं? क्या डॉक्टर अंबेडकर ने अकेले ही भारत का संविधान बनाया था? अगर सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर ने ही संविधान लिखा तो संविधान सभा के करीब 300 सदस्य क्या कर रहे थे? क्यों भारत का संविधान लिखने का श्रेय सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर को ही दिया जाता है? जय भीम साथियों, मैं हूँ सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज वीक। आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब देंगे और वो भी पक्के सबूतों के साथ में। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। 26 नवंबर को हमारे देश में संविधान दिवस मनाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में भारत का संविधान पेश करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मुझे जो भी श्रेय दिया जा रहा है वो मेरे अकेले का नहीं, इसका कुछ हिस्सा जाता है सर बीएन राव को, जो हमारी सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं, जिन्होंने संविधान की ड्राफ्टिंग के लिए संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया। इस श्रेय का कुछ हिस्सा उस ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों को भी जाना चाहिए। अपनी टीम के सभी साथियों को क्रेडिट देना डॉक्टर अंबेडकर का बड़प्पन ही था, क्योंकि असल मायनों में संविधान उन्होंने ही लिखा था। सवाल उठता है कि संविधान सभा की ज्यादातर बैठकों में औसतन 300 सदस्य मौजूद रहे और सभी सदस्यों को संविधान के निर्माण में समान अधिकार प्राप्त था, तो आखिर क्यों डॉक्टर अंबेडकर को ही संविधान का मुख्य वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है? इसका जवाब है कि संविधान बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत डॉक्टर अंबेडकर ने ही की थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा लिखने वाले माइकल ब्रेचर ने अपनी पुस्तक नेहरू ए पॉलिटिकल बायोग्राफी में लिखा है। पॉलिटिकल बायोग्राफी में माइकल ब्रेचर ने डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का वास्तुकार माना और उनकी भूमिका को संविधान के निर्माण में फील्ड जनरल के रूप में रेखांकित किया। संविधान सभा के सामने संविधान प्रस्तुत करते हुए अपने अंतिम भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने गरिमा और विनम्रता के साथ इतने कम समय में इतना मुकम्मल और विस्तृत संविधान तैयार करने का श्रेय अपने सहयोगियों को दिया। लेकिन पूरी संविधान सभा इस बात को जानती थी कि एक महान लीडर का अपने सहयोगियों के प्रति विनम्र आभार है। डॉक्टर अंबेडकर संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, जिसकी जिम्मेदारी संविधान का लिखित प्रारूप प्रस्तुत करना था। इस कमेटी में कुल 7 सदस्य थे और संविधान को अंतिम रूप देने में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका को रेखांकित करते हुए भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के एक सदस्य टीटी कृष्णामाचारी ने नवंबर 1948 में संविधान सभा के सामने कहा था, संभवतः सदन इस बात से अवगत है कि आपने ड्राफ्टिंग कमेटी में जिन 7 सदस्यों को नामांकित किया उनमें एक ने सदन से इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह अन्य सदस्य आ चुके हैं। एक सदस्य की इसी बीच मृत्यु हो चुकी है और उनकी जगह कोई नए सदस्य नहीं आए हैं। एक सदस्य अमेरिका में थे और उनका स्थान भरा नहीं गया। एक अन्य व्यक्ति सरकारी मामलों में उलझे हुए थे और वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रहे थे। एक दो व्यक्ति दिल्ली से बहुत दूर थे और संभवतः स्वास्थ्य की वजह से कमेटी की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले पाए। सो कुल मिलाकर यही हुआ कि संविधान को लिखने का भार डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर ही आ पड़ा है। मुझे इस बात पर कोई संदेह नहीं कि हम सबको उनका आभारी होना चाहिए कि उन्होंने इस जिम्मेदारी को इतने सराहनीय ढंग से अंजाम दिया है। डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी लिखने वाले क्रिस्टोफ जेफरलो अपनी किताब में लिखते हैं, हमें ड्राफ्टिंग कमेटी की भूमिका का एक बार फिर से आकलन करना चाहिए। ये कमेटी सिर्फ संविधान के प्रारंभिक पाठों को लिखने के लिए जिम्मेदार नहीं थी, बल्कि उसको ये जिम्मा सौंपा गया था कि वो विभिन्न समितियों द्वारा भेजे गए अनुच्छेदों के आधार पर संविधान का लिखित पाठ तैयार करे, जिसे बाद में संविधान सभा के सामने पेश किया जाए। सभा के समक्ष कई मसौदे पड़े गए। हर बार ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों ने चर्चा का संचालन और नेतृत्व किया था। अधिकांश बार यह जिम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर ने ही निभाई थी। इसी तथ्य को रेखांकित करते हुए मरहूम समाजशास्त्री प्रोफेसर गेल ओमवेट लिखती हैं कि संविधान का प्रारूप तैयार करते समय उनके विवादित मुद्दों पर अक्सर गर्मा गर्म बहस होती थी। इन सभी मामलों के संबंध में अंबेडकर ने चर्चा को दिशा दी, अपने विचार व्यक्त किए और मामलों पर सर्वसम्मति लाने का प्रयास किया। डॉक्टर अंबेडकर मल्टी टैलेंटेड थे। डॉक्टर अंबेडकर उन चंद लोगों में शामिल थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य होने के साथ साथ बाकी 15 कमेटियों में से कई कमेटियों के सदस्य भी थे। संविधान सभा द्वारा ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उनका चयन उनकी राजनीतिक योग्यता और कानूनी दक्षता के चलते हुआ था। वो इतने काबिल थे कि कानूनी पेचीदगियों को पल भर में सुलझा लेते थे। कानून की अवधारणा, उसकी व्याख्या करना और उसके पालन की रूपरेखा तैयार करने में उनका
कोई सानी नहीं था। विदेश में अव्वल दर्जे की शिक्षा लेकर लौटे डॉक्टर अंबेडकर उस समय देश के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में शुमार थे। संविधान को लिखने, विभिन्न अनुच्छेदों, प्रावधानों के संदर्भ में संविधान सभा में उठने वाले सवालों का जवाब देने, विभिन्न विपरीत और कभी कभी उलट से दिखते प्रावधानों के बीच संतुलन कायम करने और संविधान को भारतीय समाज के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करने में डॉक्टर अम्बेडकर की सबसे प्रभावी और निर्णायक भूमिका थी। संविधान सभा में अपने अंतिम भाषण में बाबा साहेब ने कहा था, मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा यदि उसे चलाने वाले लोग बुरे हैं, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छे हैं। बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में भारत को एक ऐसा संविधान बनाकर दिया जो जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। एक ऐसा संविधान जो हर किसी को समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का पाठ पढ़ाता है। एक ऐसा संविधान जो सामाजिक न्याय की गारंटी है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को ही भारत के संविधान का जनक कहा जाता है। अब अगर कोई आपसे कहे कि डॉक्टर अंबेडकर को ही संविधान निर्माता क्यों कहा जाता है, तो बस इस वीडियो का लिंक उन्हें भेज देना और आप जाते जाते हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो को, इस स्टोरी को बनाने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित कुमार और अजरा परवीन। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों, तब तक के लिए जय भीम।